गाइस, आज का ब्लॉग काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम आपको दिखाने वाले हैं कल्याणपुर का दुर्गा पूजा पंडाल। शायद आप लोग देखे होंगे यूट्यूब पर, अगर नहीं देखे हो तो जरूर देखे, काफी मस्त बनाया गया है। तो देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस देख सकते हैं हम आ गए हैं यहाँ पे कल्याणपुर, और स्टेशन के जस्ट बगल में ये देख सकते हैं, और अंदर जाने का रास्ता यही है। तो आगे देख सकते हैं ये है गेट, हम अंदर आ चुके हैं और इससे अंदर जाएंगे। देख सकते हैं अच्छे तरीके से अंदर में ऊपर में दुर्गा माता का मूर्ति बनाया गया है गेट के पास। और गाइस ये पंडाल नहीं, ये ऑलरेडी सीमेंटेड बना हुआ है। तो अब आगे चलते हैं, आगे भी देखिए काफ़ी अच्छे तरीके से सजावट किया गया है। बीच में गमला रखा गया है, बहुत बेहतरीन सजावट है गाइस, हम बता नहीं सकते हैं। मतलब कैमरा में जितना आ रहा है उतना दिखा रहे हैं, और रात में लाइटिंग बहुत मस्त है। आगे आपको ताज होटल दिख रहा होगा। तो बस हम लोग पहुंच गए, हम जस्ट अंदर ही देखिए आ गया है। और गाइस देख सकते हैं कितना शानदार लग रहा है गाइस, काफी सॉलिड गजब लग रहा है। मतलब देख के यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग देखने के लिए आए हैं, और इंटरनेट पे भी काफ़ी ज़्यादा वायरल है पंडाल। हम खुद देखे थे और देख सकते हैं, मतलब गजब बनाया है। तो कारीगरी बहुत ज़्यादा किया गया है गाइस, काफ़ी इसमें जो है बहुत ज़्यादा डीपली वर्क किया गया है इसमें पंडाल में, काफ़ी खर्च भी आया होगा इसमें, देख सकते हैं आप। तो अब अंदर जा रहे हैं गाइस, और अंदर जाके दिखाते हैं किस तरह का बना हुआ है। हम लोग ताज होटल के अंदर जा रहे हैं, तो देख सकते हैं गाइज अंदर में भी कितना ज़्यादा भीड़ है चारों तरफ। और आगे देख सकते हैं डिस्प्ले लगाया गया है, और इस साइड देखिए मिकी माउस भी लगाया गया है बच्चों के लिए। और इधर देखिए सब लोग सेल्फी लेने में व्यस्त हैं, मतलब चारों तरफ देखिए गाइज हर कोई सेल्फी ही ले रहा था यहाँ पे। और गाइज देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। और इधर देखिए यहाँ पे कुछ मूर्ति लगाया गया है फाइबर का, इस साइड दिखाते हैं आपको। देखिए ये वाला, ये फाइबर का बना हुआ है, सब लोग इस पर भी बैठ के सेल्फी ले रहे हैं। समझ सकते हैं गाइस कितना खर्चा आया होगा, काफ़ी ज़्यादा महंगा आता है ये सब। तो इधर देख सकते हैं क्या क्या है, और थोड़ा इधर देख लीजिए डिस्प्ले लगाया गया है नाइट में कोई प्रोग्राम के लिए। वैसे तो अभी जल नहीं रहा है, अगर रात होता तो दिखा देते। और इधर देखिएगा जो रेड कलर का दिख रहा है आपको लाल किला की तरह, तो इसी के अंदर दुर्गा माता का प्रतिमा है। तो अंदर जाके आपको दिखाते हैं, ये भी काफ़ी अच्छे तरीके से बनाया गया है, देख सकते हैं यहाँ पे भीड़ भी है। तो भाई जब अंदर जा रहे हैं और देखते हैं इस साइड हैं दुर्गा माता, सब लोग सेल्फी भी ले रहे हैं यहाँ गाइज, देख सकते हैं। और गाइज आप लोग हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो ज़रूर करें, वहाँ पर आपको अच्छे अच्छे रील्स मिल जाएंगे जो आपके काफ़ी काम आ सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फेसबुक का, इंस्टाग्राम, सब कुछ का। तो वहाँ जाके आप चेकआउट कर लीजिएगा। और गाइज यार वीडियो देखने के बाद आप लोग लाइक कर दिया करो यार, लाइक नहीं करते हो आप लोग, सो प्लीज़ लाइक कर दिया करो। तो गाइज देख सकते हैं काफ़ी शानदार मंदिर, यही है मेन मंदिर गाइज, यहाँ पर दुर्गा माता विराजमान है। तो समझ सकते हैं गाइज कितना भव्य पंडाल बना है, सजावट बहुत ही ज़्यादा गजब का किया गया है यहाँ पे। और गाइज आप थोड़ा आपको बाहर दिखा देते हैं फील्ड में क्या क्या है। तो यहाँ पे देखिए एक स्टेज बना हुआ है गाइज प्रोग्राम के लिए, रात में जो नाइट प्रोग्राम होगा। देख सकते हैं मूविंग लाइट भी लगा हुआ है जो कि काफ़ी ज़्यादा महंगा आता है, करीब वो एक लाइट 30,000 रुपये का आता है। और गाइज इसके जस्ट साइड में गंगा नदी भी है, देख सकते हैं वो भी हम आपको दिखा देते हैं। देखिए चारों तरफ किस तरह का है, और साइड में मगरमच्छ भी है। बार बार अलर्ट भी किया जा रहा था, अनाउंसमेंट भी किया जा रहा था कि किनारे में ना जाए, किनारे में सेल्फी ना ले, क्योंकि मगरमच्छ है या कोई प्रॉब्लम भी हो सकता है इस वजह से। सो गाइस आपको ये ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए।